बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एट कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, कंप्यूटर का हमारे यूनिट नंबर 5 चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5.2, प्रोग्रामिंग इन बेसिक। यहाँ से अब हम एक्चुअली GW बेसिक जो है ना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि GW बेसिक में हम प्रोग्राम कैसे राइट करते हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं, कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, हम अपना प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसको आप अंडरलाइन कर लें। यहाँ पे बेसिक की ये फुल फॉर्म बताई गई है। ठीक है, यहाँ से आगे इसकी हिस्ट्री बताई गई है कि डर्टमाउथ कॉलेज में जो है ना इसको इन्वेंट किया गया था इन USA 1963 बाय जॉन कैमेने। ठीक है, एंड थॉमस कर्व्स। बेसिक इज इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, इट इज इजी टू राइट एंड रन प्रोग्राम इन बेसिक। लैंग्वेज बेसिक वाज डेवलप्ड एज एन इंस्ट्रक्शनल टूल टू ईच कंप्यूटर प्रोग्राम। देर आर डिफरेंट वर्जन ऑफ बेसिक लैंग्वेज, जैसे आपके पास विंडोज के डिफरेंट वर्जन होते हैं, Windows 7, Windows 8, Windows 9, 10। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास बेसिक के डिफरेंट वर्जन मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ रूल्स बताए गए हैं, कौन से रूल्स बताए गए हैं जिनको यूज करके हम अपना प्रोग्राम जो है वो टाइप करते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन इन सेपरेट लाइन, यानी जो भी आपने इंस्ट्रक्शन देनी है उसको आप एक सेपरेट लाइन में राइट करेंगे। ईच लाइन विल स्टार्ट विद अ यूनिक लाइन नंबर लाइक 1, 2, 3, यानी जो भी लाइन आपने स्टार्ट करनी है उसको पहले आप नंबर देंगे, यानी कोई भी एक यूनिक नंबर होगा। टेक लाइन नंबर 10, 20, 30। ठीक है, यानी आप 1, 2, 3 भी दे सकते हो, लेकिन नॉर्मली जो दिए जाते हैं उसमें 10, 20, 30 नंबर्स दिए जाते हैं। यानी 10 मीन फर्स्ट लाइन होगी और 20 मीन सेकेंड लाइन नंबर, 30 मीन थर्ड लाइन नंबर। ठीक है, द लाइन नंबर में बी होल इंटीजर बिटवीन 0 and 65,000। मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ लाइन इज 255 कैरेक्टर्स, यानी एक लाइन में अप टू 55 करेक्टर से ज्यादा राइट नहीं कर सकते। टू इंस्ट्रक्शन कैन बी रिटन इन अ सिंगल सेपरेट लाइन बाय कॉलन ऑपरेटर, यानी वैसे तो आप हर इंस्ट्रक्शन को सेपरेट लाइन में लिखेंगे, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप दो इंस्ट्रक्शंस को एक लाइन पे लिखें तो आप पहले एक इंस्ट्रक्शन राइट करेंगे, उसके बाद कॉलन और उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन राइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास How to run GW Basic program? To run GW Basic program, simply double click the GW Basic icon. The following screen will appear. जैसे आप simply जैसे MS Paint open करते हो, double click करते हो तो आपके पास open हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास GW Basic का एक icon बना हुआ होगा, उसको आप double click करेंगे तो आपके पास GW Basic open हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक प्रोग्राम, के बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। अ प्रोग्राम इन बेसिक इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट आर रिटन इन द लॉजिकल ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। रूल्स बताए गए इसके भी। इन बेसिक ईच स्टेटमेंट इज स्टार्टेड विद अ लाइन नंबर, ठीक है, लाइन नंबर से स्टार्ट होगी। सेकेंड ये कि पॉजिटिव इंटीजर यानी जीरो से स्टार्ट होकर 65,000 तक लाइन्स जाएंगी। उसके बाद ईच स्टेटमेंट शुड बी रिटन ऑन अ सेपरेट लाइन, लाइन नंबर आर एग्जीक्यूटेड इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी अगर 10, 20, 30 लाइन नंबर आपने दिए हुए तो एग्जीक्यूट जब होगा तो 30, 20, 10 नहीं होगा, यानी पहले 30 लाइन हो फिर 20 फिर 10, ऐसे नहीं होगा। असेंडिंग नंबर्स में जो है ना, असेंडिंग सीक्वेंस में आपके पास जो लाइन नंबर्स हैं वो एग्जीक्यूट करें। यहाँ पे कुछ कमांड्स बताई गई हैं। कमांड्स आर कीवर्ड्स विच आर यूज टू इशू इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सम बेसिक कमांड्स आर CLS command है। CLS stands for clear screen. CLS stands for clear screen. It is used to clear the contents of the screen. यानी आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो कॉन्टेंट्स मौजूद होंगे उनको आप अगर आपने क्लियर करना है तो आप CLS command यूज करेंगे। सेंटेक्स इसका, अब आपके पास यहाँ पे जितनी भी कमांड्स होंगी आप उनका पर्पस और उनका सेंटेक्स मौजूद पता होना चाहिए। ठीक है, अब CLS का पर्पस क्या है। CLS stands for clear screen. It is used to clear the contents of the screen. ये अब इसका purpose है और syntax इसका क्या है? Syntax CLS. Next आपके पास list command. List command का purpose, मैं purpose और syntax आप लोगों को पढ़ाऊंगी, examples आप लोगों ने खुद देखनी होंगी।
List command show the list of all or part of loaded program on the screen. F1 key is used as shortcut key for list command. यानी अगर आपने list command use करनी है तो अगर आप F1 भी press करते हैं तो आपके पास वो शो हो जाएगा. Syntax इसका क्या होता है? List line number at press F1 key. ठीक है, यानी यहाँ पे इस तरह से एक question भी है exercise में. Write the purpose of the following GW basic command. List, run, load, save. List का मैंने आपको बता दिया, ठीक है. इसी तरह से आगे run और save command आएंगी, उनका भी आपने purpose write करना होगा, ठीक है. Run command is used to execute get result of the program. ये इसका purpose है. और syntax क्या है? Simply आप run write करेंगे, ठीक है. इसी तरह से load command है, ये अब आपके question number 4 के 9th पार्ट का आंसर है, ठीक है. लिस्ट भी मैंने आपको बता दिया, रन लोड अब बताने लगी हूँ, और सेव इससे आगे आएगा. लोड कमांड इज यूज्ड टू लोड और ओपन फाइल फ्रॉम एनी स्टोरेज मीडियम टू लाइक हार्ड डिस्क इनटू मेन मेमोरी. यानी अगर आपने कोई भी जो है प्रोग्राम स्टोर किया हुआ है हार्ड डिस्क के ऊपर, अगर आपने उसको रन करना है तो रन करने से पहले आपको हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लेके आना पड़ेगा. तो जब आप अपने प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लेके आएंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? लोड. इसका सेंटेक्स क्या होता है? लोड फाइल नेम आप वो करेंगे जिस फाइल को आप लोड करना चाह रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास सेव कमांड, ठीक है. सेव कमांड इज यूज टू सेव द प्रोग्राम इन द हार्ड डिस्क. F4 इसके लिए आप प्रेस करते हैं, और सेंटेक्स इसका क्या होता है? सेव फाइल नेम. नेक्स्ट आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स बताई गई हैं, ठीक है. स्टेटमेंट्स देख लेते हैं क्या होती हैं. स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम टू परफॉर्म एन एक्शन. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी गिवन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन ऑर्डर टू डायरेक्ट द एक्शन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है. प्रिंट स्टेटमेंट होती है हमारे पास. द प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले मैसेज और आउटपुट टू द स्क्रीन. यानी कुछ भी आपने अगर स्क्रीन पे शो करवाना है तो आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे. सेंटेक्स इसका क्या होता है? लाइन नंबर प्रिंट सीक्वेंस ऑफ करेक्टर. और इसी तरह से ये सेकेंड सेंटेक्स है, लाइन नंबर प्रिंट वेरिएबल और कॉन्स्टेंट. इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. इसी तरह से यहाँ पे सेंटेक्स ट्री भी बताया गया है. तो आप लोगों को तीनों में से कोई एक सेंटेक्स जो है वो पता होना चाहिए. Use of semicolon with print statement. Print statement semicolon between string, variable, constant causes them to be printed right next to each other without any space between them. यानी अगर आप print statement में 5 से 6 जो है ना 5 से 6 statements आपने print करनी है, ठीक है. 5 से 6 statements आपने print करनी है तो आप क्या करेंगे कि अगर कॉलन यूज करते हैं तो आपके पास जो स्टेटमेंट प्रिंट हुई हुई आएगी वो क्या होगा कि पहली स्टेटमेंट होगी उसके बाद कोई स्पेस नहीं होगी, वहीं से सेकंड स्टेटमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है. और उसके बाद कोई स्पेस नहीं होगी, उसी के बाद थर्ड स्टेटमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी. लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉमा यूज करते हैं तो कॉमा में क्या होगा कि बकायदा जो है वो स्पेस आएगी, स्पेस के बाद आपके पास सेकेंड स्टेटमेंट प्रिंट होगी, जिससे आपको ये डिफरेंशिएट करना इजी होगा कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास इनपुट स्टेटमेंट. इनपुट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है. इनपुट लेने के लिए यूजर से यूज होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक प्रोग्राम राइट किया हुआ है A+B का, तो अब यूजर इनपुट करेगा ना कि उसने कौन से दो नंबर इनपुट करवाना है. जैसे आप कैलकुलेटर्स पे दो नंबर इनपुट करते हो, ठीक है. तो वहां पे इनपुट स्टेटमेंट यूज होती है ताकि यूजर से इनपुट ली जा सके. इसी तरह से इसका सिंटैक्स है लाइन नंबर इनपुट, ठीक है. यहाँ पे ये एग्जांपल्स बताए गए हैं. प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ठीक है. यानी एक नंबर है उसका स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, क्या राइट करेंगे? सबसे पहले तो आप क्लियर स्क्रीन करेंगे CLS, उसके बाद इनपुट टेक्स्ट करेंगे. इनपुट टेक्स्ट अब क्या है? जिस नंबर का आपने स्क्वायर फाइंड करना है. अब यहाँ पे देखें, पहले नंबर लाइन को इसने 10 नंबर दिया, फिर 20, फिर 30.
प्रिंट स्क्वायर ऑफ योर नंबर, तो स्क्वायर ऑफ नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं कि नंबर की पावर 2 ले लेते हैं ना, तो यहाँ पे इन्होंने एक्स एक्सपोनेंट 2 ले लिया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, सीएलएस किया क्लियर स्क्रीन, उसके बाद पाई की वैल्यू डाली, आपको पता है पाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। इंटर रेडियस हमें सर्कल का रेडियस फाइंड एरिया फाइंड करने के लिए हमें आर की वैल्यू चाहिए होती है ना, पाई की तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती है, ठीक है। तो पाई और आर की वैल्यू राइट करके आर का स्क्वायर करके पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रीड एंड डेटा स्टेटमेंट। रीड एंड डेटा स्टेटमेंट आर यूज्ड व्हेन देयर इज नीड टू प्रोसेस अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स विद गिवन डेटा। रीड स्टेटमेंट डिफाइन द लिस्ट ऑफ वेरिएबल व्हाइल डेटा स्टेटमेंट कंटेन कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन रीड स्टेटमेंट। यानी रीड स्टेटमेंट में हम वेरिएबल्स का नेम राइट करते हैं और डेटा स्टेटमेंट में हम उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को रीड करते हैं जो रीड स्टेटमेंट में हम लोगों ने मेंशन कर दी गई होती है। सेंटेक्स बताए गए यहाँ पे इसके, लाइन नंबर रीड लिस्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेटेड बाय कॉमा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कांस्टेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। एग्जांपल आपने इसकी खुद से राइट करनी रीड करनी है, ठीक है। अब आप लोग आए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4th का 9th पार्ट मैंने आपको बता दिया है के लिस्ट कमांड की आपने पर्पस लिखनी है, उसका सेंटेक्स इसी तरह से रन लोड और सेव का। नेक्स्ट आपके पास गिव डिटेल्ड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन प्रोग्रामिंग विद एग्जांपल। तो आपके पास दो टाइप के एरर्स होते हैं, सेंटेक्स एरर और लॉजिकल एरर, ठीक है। तो ये आपने आपके पास पेज नंबर 108 पे है। In a program, the occurrence of incorrect or unexpected result is called error. There are two common type of error in programming language, syntax error and logical error. तो syntax error की आपने definition write करनी है, साथ example देनी है। इसी तरह से logical error की आपने definition write करके साथ उसकी example दे देनी है। Next है आपके पास what is arithmetic expression, explain different type of operator with examples. Arithmetic expression यहाँ पे ही आपके पास 109 पे मौजूद है। An expression is a combination of symbol and operators. इसने क्या कहा arithmetic expression? हाँ ये इसकी ये वाली definition होगी। An expression which represent a numeric value is called an arithmetic expression. An arithmetic expression is evaluated by performing a sequence of arithmetic operation to obtain numeric value. यहाँ से एक दो इसके अपने examples देंगे हैं, उसके बाद इन्होंने operators का पूछा है, तो आपने operators की ये तीनों types बतानी है, arithmetic, assignment and relational, ठीक है। arithmetic के लिए आप ये table बना दो, assignment operator के लिए आप ये राइट करो, असाइनमेंट एन ऑपरेटर विच इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, उसके बाद ये एग्जाम्पल राइट कर दो, और रिलेशनल ऑपरेटर के लिए आपने ये वाला टेबल बनाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू कंप्यूटर एक्सप्रेशन। तो ये यहाँ पे मैंने राइट किए हुए हैं, ठीक है, आप इनको राइट कर लें। आपको पता है कि जहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा होगा वहाँ पे आपने हिस्टेरिक करना है, और जहाँ पे ये डिवीजन फॉर्म आ रही होगी वहाँ पे आपने ये इस तरह से स्लैश लगानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ए बी, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने इनके दरमियान हिस्टेरिक डाल दिया। इसी तरह से प्लस एज इट इज आएगा, बी और सी के दरमियान में मल्टीप्लाई है तो मैंने हिस्टेरिक डाल दिया। 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 हिस्टेरिक x, 7 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 हिस्टेरिक y। ए डिवाइड बाई बी, तो डिवाइड की जगह मैंने स्लैश डाल दी, मल्टीप्लाई की जगह स्टैरिक, C3 है तो C और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो C और 3 के दरमियान में स्टैरिक डाल दिया। इसी तरह से आप लोगों ने ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद आपने ये चेक करना है कि माइनस मल्टीप्लाई और माइनस है तो, ठीक है, आपने क्या करना है कि पहले ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद आपने देखना है कि अगर एक एक्सप्रेशन में माइनस मल्टीप्लाई और माइनस दोनों आ रहे हैं तो सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई परफॉर्म करना होगा। आप यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि माइनस, यानी जो आपको
ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मैंने आपको बताया था कि पहले कौन सा, अब जैसे यहाँ सेकंड क्वेश्चन में है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे, ब्रैकेट्स रिमूव करने के बाद ये एक्सपोनेंट यानी जो पावर है वो फाइंड करेंगे, उसके बाद इनको माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो फोर्थ पार्ट है ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल, आपने जैसे मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करने वाले, उसी तरह से आप लोगों ने करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।